ओ, क्या हालत है देखो। सचमुच जो ये पुल है हमारा, ये डेंजरस ही है। कहाँ तक आ चुका है ये। दुकान जिनके भी थे सब डूब गए ऑलमोस्ट। इतना ज्यादा पानी पहली बार देखा, इतना ज्यादा नहीं देखा। हे बॉस साहब, कैसे हो आप सब? अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से सुबह के 11:10-15 होगा, और सुबह से जो वेदर है बढ़िया, ये देख सकते हैं एकदम मस्त। कल रात से बारिश हो रहा है, बारिश रुक ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आमिर खान सर का वो गाना था ना, ये छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, वही गाना जैसा लग रहा है। बारिश है या आसमान में, छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हम जैसे देखे ये दुनिया है वैसा ही ऐसी नजर अपनी, तो खुल के सोचे आओ बंक जरा फैलाओ रंग नए दिख रहा हो, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। वैसा ही कुछ लग रहा है कि कल रात से बारिश स्टार्ट हुआ है, मतलब कल सुबह से भी बारिश हो रहा था लेकिन रात से मेन बारिश स्टार्ट हुआ है जो कि रुक ही नहीं रहा है। कभी रुकते 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 स्लो हो रहा है, फिर फाइनल टाइम में रुकने की जगह और तेज़ हो जा रहा है, ऐसा ही चल रहा है। और कपड़े तो बहुत सारे हैं यहीं पर डाले हुए हैं, क्योंकि बाहर बारिश रुक नहीं रहा है तो बाहर रखा ही नहीं जा रहा, यहीं पे डाला हुआ है सब, यहीं पे धीरे धीरे सूख रहा है। इधर हालत कुछ ऐसा ही है। और बाहर निकलने का प्लानिंग है हमारा, जो पुल है उसका हालत बहुत बढ़िया है, अगर उधर जाने का मौका मिला तो दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ से हालत पता चल रहा होगा। वैसे पानी का हमारा जो प्रॉब्लम था वो सही हो चुका है, कहाँ से उन्होंने किया है पता नहीं, लेकिन फाल जो ख़राब हुआ था मेन टैंक का वो सही हो गया और पानी आ गया है। तो मैंने वैसे बैकअप रखा हुआ था, मतलब आज अगर पानी नहीं आता, मैं कल रात से बारिश का जो पानी है वो स्टोर कर रहा था, तो उससे ही आधा टैंक जो है भर गया था कल रात से, इतना बारिश हुआ है। और आज पानी भी आ गया इसलिए फुल टैंक भर गया। पानी का दिक्कत अभी है नहीं कुछ, मतलब हवा काफ़ी मस्त चल रहा है देख सकते हो, और बारिश भी काफ़ी सही हो रहा है। लेकिन अभी नहीं भीगूंगा, भीगने का भी एक टाइम है ना, अभी नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं रुक रहा है। लेकिन बाहर निकलना तो है, तो खुदा का काम आ गया थोड़ा सा, निकलते टाइम ही काम आता है, सुबह तक काम नहीं था, निकलते टाइम थोड़ा काम आ गया तो काम कर रहे हो। फिर हम लोग निकलेंगे, दो छाता लेके आज पैदल ही चलेंगे, बाइक में जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे ना। और यहाँ पे देखो लाइटिंग का काम किया जा रहा है, ये जो गेट है गेट के सामने लाइटिंग, और वो भी पानी में काम कर रहे उधर, उनका अलग ही पानी में कर रहे। ऐसा हालत है यहाँ का एकदम हमारे घर के पास में। वैसे यहाँ पे रोड ख़राब नहीं है लेकिन पानी जमता है, पूरा जाने के लिए ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा, बीच में कुछ नहीं है, यही हालत है। थोड़ा सा भी बारिश हो तो यहाँ पे पानी जम जाता है, जगह ही ऐसा ही यहाँ पे। यहाँ से क्रॉस करने के लिए टोटो चाहिए या फिर गाड़ी, पैदल जाएंगे तो भीग जाएगा, तो चप्पल है दिक्कत नहीं है। बाइक नहीं असले उन्नो टाइम में जाएगा भीजे जाओ ना, बाइक छाता नहीं जा जाएगा ना, छाता लेके बाइक में दिक्कत है। तो अंडाल बाजार का हालत थोड़ा सा अलग है बाकी दिनों के मुकाबले, क्योंकि सुबह से कल रात से बारिश हो रहा है ना। वैसे जगह तो मस्त है, चारों तरफ पानी और रोड भी काफ़ी सही है, लेकिन बाज़ार उतना बैठा नहीं है सही तरीके से पानी के कारण, क्योंकि लोग भी नहीं आ जा पा रहे हैं, और जो बाज़ार बैठाएंगे वो भी नहीं आ जा सकते ना। उतना ज़्यादा तो नहीं बैठा, थोड़ा बहुत ही बैठा है। रोड भी सही है बिल्कुल एकदम, सैंडल पहन के आया हूँ ये एक सही बात है, देख देख के जाना पड़ेगा सचमुच, यहाँ से गुजरना थोड़ा दिक्कत वाली बात। चारों तरफ पानी और नॉर्मल रोड अच्छा नहीं है, तो क्या पानी के बीच में कीचड़ भी है, सिर्फ पानी नहीं, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत है, देख के चलना पड़ेगा। थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बन के चलते हैं। बाजार में गिन चुन के ये 5-6 दुकान ही बैठे होंगे, उधर 3-4 है, इधर 1-2 है बस। सुपुदा उधर पे मछली ले रहा है, वो मछली मिल गया, चिंगड़ी माछ मेन वो मिल गया। और देखो बाज़ार का हालत कुछ यहाँ से पता चलेगा, बीच में यहाँ पे पूरा बाजार बैठता है, आज नहीं है तो रोड का हालत पता चल रहा है। एकदम मस्त है, मज़ेदार, बरसात में जैसा होना चाहिए। तो अभी एक बार पुल के साइड में चलेंगे और एक बार चलेंगे उधर हमारे जो जीआर ग्राउंड में मेला बैठ रहा है, उधर दोनों जगह भी हालत सुबह से ख़राब था, काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ था, अभी देखते हैं जाके क्लियर हुआ है कि वैसा ही हालत है। कुछ इस तरीके का हालत है इधर, मतलब सच ही बोला जा रहा था, जितना वीडियो में देखा था वैसा ही हालत है, उससे भी ज़्यादा हो गया अभी। पानी देखो यहाँ से साइड से जा सकते हैं, जैसे ऊपर मैं कभी कभी जाता हूँ ना, ब्रिज है ऊपर, लेकिन नीचे का हालत मैंने बहुत पहले बोला था कि जब यहाँ पे ऐसा हालत होगा तो मैं दिखाऊंगा, तो अभी आज हालत है ऐसा कुछ, थोड़ा तो देख के जाना पड़ेगा, यहाँ पे स्लीपर ही रोड है, लेकिन हालत मस्त हुआ है। रेड अलर्ट आ चुका है पूरा, मतलब जितना भी हाइट में जाने के बाद यहाँ से नहीं जा सकते, उससे भी ज़्यादा हाइट है। कौतरा कौतरा जल है,
देखते हैं, पहले चेक कर लेते फिर चले। तो क्या हालत है देखो, सचमुच जो ये पुल है हमारा ये डेंजरस ही है। यहाँ पे पानी ज़्यादा हो तो ऐसा ही हालत होगा। और उधर का आगे मैं दिखाऊंगा क्या हालत है पुल का। यहाँ पे देख सकते हो पानी लेवल कहाँ पे है, तो उधर दिखाएंगे। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब ऐसा होता था हालत, अभी बहुत दिनों के बाद देखा। स्कूल लाइफ में पढ़े मना एक बार देख लो, 16-17 साल हो गया था। 16-17 तो हम स्कूले पढ़ी, तो वही पास कर गए थे, हम ही पढ़े थे। स्कूल लाइफ के टाइम में लास्ट हुआ था जब मैं क्लास 9-10 में शायद पढ़ता था उस टाइम। बेसी कोड़ दीजिए, इधर देखो कहाँ तक, कहाँ तक आ चुका है। ये दुकान जिनके भी थे सब डूब गए ऑलमोस्ट। आगे चल के और भी दिखा दो, बोए दुकान आगेटा देख, आगेटा देख, गैपटा देखाई जाच्छे ना। जो टनल का गैप है वो गैप दिख ही नहीं रहा है, इतना हालत है। सुबह के टाइम में जब देखा था गैप दिख रहा था थोड़ा, लेकिन अभी तो वो भी नहीं दिख रहा ना लगा अच्छी। क्या हालत हुआ है, ओ भाई साहब, लेवल लेवल इतना ज़्यादा पानी पहली बार देखा, इतना ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा बहुत गैप रहता है, थोड़ा बहुत गैप हमेशा रहता है, इस बार नहीं हुआ। देखो क्या हालत है, देखो जाने का टाइम आ चुका है, यहाँ से चलते हैं। इधर तक इस लेवल तक पानी हुआ है और यहाँ पे उतना भी ज़्यादा डीप नहीं है क्योंकि ये जगह थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन उस साइड में जाएंगे तो पूरा डीप है। रेड कलर का मतलब फीता भी दे दिया गया, लोग वो क्रॉस करके ना जाए इसके कारण। एक बार उस साइड से भी घूम के आएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारा जीआर ग्राउंड है, उधर भी वैसे ही हालत है, बहुत ज़्यादा पानी जमा है। उधर भी ऐसा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी उधर भी जमा है। जीआर ग्राउंड के पास में मेले का हालत उतना भी ख़राब नहीं है, वैसे हवा काफ़ी मस्त चल रहा है, सही है। यहाँ पे रोड उतना भी पानी नहीं जमा है, लेकिन ये ग्राउंड है तो कीचड़ बहुत सारा है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बाकी कुछ दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं जमा, लोग आ जा सकते अगर रोड सही हो जाए, अंदर मोड़ा डाल के थोड़ा सही करा जा रहा है, रोड और सही हो जाए तो लोग आ सकते हैं। 29 जुलाई से मेला स्टार्ट हुआ था, अभी तक भीड़ नहीं हुआ, आज 2 तारीख हो गई, धीरे धीरे होगा आराम से। 14 तारीख तक होगा मेला है ना, देश स्वाधीन होगा उससे पहले ही मेला ख़त्म। इधर का रोड तो वैसे देख सकते हो कितना बढ़िया है। हम लोग अभी घर चलेंगे, नहीं एक बार कस्टमर सर्विस जाना है, उसके बाद था चारों तरफ पानी जमा है। यहाँ पे जो ड्रेन है ड्रेन में भी पानी जम गया। क्या हालत है देखो। ओ भाई साहब इतना पानी हुआ है, यहाँ तक पानी रहता ही नहीं है कभी। और आवाज़ देखो, साउंड देखो, वो मेन बात है, ये बैंक का साउंड आ रहा है, मतलब फ्रॉग जो है बरसात होता है तो वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं ना, उसी का साउंड है। कितना तेज़ शोर है, ऐसा लग रहा है कि जो प्लांट होता है पावर प्लांट वहाँ से जो श्रमिक होते हैं उनका छुट्टी में जो साइरन बजता है ना, ऐसा कुछ साउंड आ रहा है, इतना तेज़ साउंड आ रहा है। वो सिर्फ बैंक का ही साउंड आ रहा है इतना तेज़। मैं तो नॉर्मल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो कानों में लग रहा है इतना ज़्यादा साउंड है। और पानी देखो, जल छेड़े थे मैं भी छाड़ बिस्टी बोचू, तो देखो क्या हालत है, देखो बिना पानी छोड़े कितना हालत है। पानी छोड़ दिया तो टोटल ऊपर तक आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, उधर तक। क्या हालत है ना, এখন করার মতন অবস্থা নেই, এখন করার মতন অবস্থা নেই। আবি চলেঙ্গে থোড়া সা উধার ভি ঘুম কে আয়েঙ্গে, যাহা পে কাল গয়ে থে কুটিডাঙ্গা সাইড মে, উধার কা দেখ কে লেভেল সমঝ মে আয়েগা, কাল ওয়াহা পে দেখ কে আয়ে থে, ইয়াহা পে তো থোড়া দিন পেহলে আয়ে থে, লেকিন বেসে ভি সমঝ মে আ রাহা হ্যায়, বহুত নিচে তক, ইয়াহা সে কম 5-6 ফুট নিচে পানি রহতা হ্যায় হমেশা, আজ বহুত জ্যাদা উপর হোগা। উধার ভি দেখ কে আয়েঙ্গে কুটিডাঙ্গা সাইড মে, ঘুম কে ওয়াপাস আ চুকা হুঁ আবি গাইস, অর বাহার থোড়া সা তেজ বারিশ স্টার্ট হোগা, থোড়া অর তেজ স্টার্ট হোগা, মে ভিগ মে চলা যাউঙ্গা। ভেসে হি থোড়া বহুত ভিগ গয়া, সুবুদা তো ছাতা লেকে গয়া থা তো ও ভিগা নেই, কিউঁকি উসসে নাহানা হো চুকা, মে তো নাহানা হুয়া নেই থা, मैं इसलिए भीग गया था। और उस साइड में मैं जब जा रहे थे फिर ढांगा के साइड में, तो बीच में बॉक्सन के सामने एक बड़ा सा जो हाई हुआ गाड़ी होता है बहुत बड़ा सा 20 चक्का वाला, वो गाड़ी फंस गया साइड में, जैम लगे फंस गया, उधर बारिश हो रहा था इसलिए मैं रुका नहीं। उसी कारण से उस साइड में गाड़ी लेके क्या बाइक लेके साइकिल लेके भी उधर क्रॉस नहीं किया जा पा रहा, इसीलिए हम लोग जा ही नहीं पाए वहाँ पर पूरी ढांगा साइड, वहीं तक बॉक्सन के सामने तक गए थे, उसके बाद वहाँ से घूम के वापस आ जाना पड़ा। ये तो पूरी ढांगा वाला साइड भी देखने जाते उधर कहाँ था, तो उस साइड का रोड जो है वो थोड़ा सा अभी जाने के लिए नहीं, 1-2 घंटा 3 घंटे टाइम लगेगा, गाड़ी ऐसे फंसा है ना साइड में, और बड़ा सा गाड़ी है पूरा रोड ब्लॉक करके फंसा है, तो जेसीबी के बिना वो निकलेगा नहीं, और जेसीबी लाने के बाद भी निकलने में उसको टाइम लगेगा, तो थोड़ा उस जगह वाला साइड का रोड थोड़ा सा दिक्कत वाला है आज के लिए, शाम तक में भी, अभी 1:30 बज रहा है शाम तक में। तो खैर चलो मैं अभी फिलहाल नहा लेता हूँ क्योंकि भीगा हुआ हूँ, नहीं तो सर्दी लग सकता है। बारिश कम हो गया, लो बारिश पहले तो थोड़ा सा हो रहा था घर घुसते टाइम पे, अभी थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा ज़ोर से स्टार्ट हो जाए
तो छत से घूम के आता हूँ, नहीं तो नॉर्मली नहा लेंगे क्योंकि पूरा भीगा हूँ। अभी ज़्यादा रुकूंगा तो ठंडा लगेगा। अभी तक बारिश रुका नहीं है, नहा के मस्त रेडियो के खाना वाना खा के मैं अभी बैंक के पास जा रहा हूँ। मैं बैंक के साइड में, बैंक में थोड़ा सा काम है, जाना पड़ेगा उधर, आज जाना ही पड़ेगा। 4 बजे से पहले पहुँचना, अभी 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो मैं पहुँच जाऊँगा। मेरा काम भी शायद आज हो जाए, बारिश लेकिन हो रहा है। मेन बात है कि लो प्रेशर वाला हवा में माहौल है, बादल में, मतलब निम्नोचाप जो उसको कहते हैं, इसी कारण से इतना ज़्यादा टाइम तक बारिश हो रहा है। ये बरसात वाला बारिश है नहीं, वो आगे पानी अभी भी जमा हुआ है, लेकिन लग रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे पैर गंदा करके ही जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, क्रॉस तो करना पड़ेगा यहाँ से ना, तो वैसे ही चलते हैं जैसे करना पड़े। जल्दी पहुँचते बैंक में, वो काम आज कंप्लीट करना है। साइड वाला हालत भी कुछ बढ़िया ही है, यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियाँ फंसे हुए हैं, कल से फंसा हुआ है, मतलब इधर का हालत भी बहुत ख़राब है। यहाँ पे 4-5 पंप लगा के एक ही साथ में पानी निकाल रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहे कुछ। आगे भी देख सकते हो उधर सिर्फ गाड़ी और गाड़ियाँ जाम हुआ। और मेन बात है कि ये वाला रास्ता छोड़ के उस साइड में जाने के लिए और बढ़िया रास्ता कुछ नहीं है। जो गोपाल मार्ग के साइड से जो रास्ता है ना, वो भी उतना बढ़िया नहीं है, बड़े ट्रकों के लिए थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए यहाँ पे सब जाम होगा। मैं जाते टाइम दिखाऊंगा, अभी मुझे थोड़ा जल्दी है ना, इसीलिए मैं बैंक पहले जा रहा हूँ। मैं जब वापस जाऊँगा तब तक भी पानी ज़्यादा कुछ निकाला नहीं जाएगा मुझे लग रहा है, तो तब मैं दिखाऊंगा कि क्या हालत है इस साइड। उस साइड का तो मैंने दिखाया हुआ, इस साइड का तब दिखा दूँगा। मेरे ट्राउज़र की हालत ख़राब हो गई, बैंक के साइड में आ ही चुका हूँ, काम पड़ा करके निकल। बैंक का काम ख़त्म करके अभी आ चुका हूँ, 3:30 के आसपास टाइम है, और कुछ बेहतर पुल तो है ये, थोड़ा आगे से दिखा दूँगा, यहाँ से दिखेगा। ये कुछ वर्ल्ड फेमस पूल है, मैं पहले ही बोलता था सबको, मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी पता चलेगा। देखो इधर इतने सारे पाम लगाए हुए हैं और कितना बढ़िया लग रहा है ना, अभी तो थोड़ा सा कमाया है, क्योंकि इतने सारे पंप लगा के ना सक्शन करके थोड़ा सा कमाया जा रहा है, मतलब घटाया जा रहा है, लेकिन बारिश भी लगातार चल रहा है, धीरे धीरे ही हो सही, बारिश तो चल रहा है ना, तो इसीलिए उतना भी ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। ये वर्ल्ड फेमस पूल ऐसे ही नहीं है, इसमें पानी मस्त जमता है। देखो अभी भी देखो, नीचे जो टनल से जहाँ से जाते हैं उसका मुँह नहीं दिख रहा है, अभी भी आगे से दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया जगह है, पानी के अंदर घुस जाऊँ, यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा। शुक्र है आते टाइम मुझे पता चल गया था, इसीलिए जाते टाइम मैंने जो मेरा ट्राउज़र है उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, नहीं तो ट्राउज़र का हालत खराब होता, और कुछ नहीं। आगे अब देख सकते कितना बढ़िया है, उधर का हालत जैसा है इधर का हालत भी सेम है, लेकिन मैं लोग बहुत सारे नीचे से भी रेल लाइन से भी क्रॉस कर ले, मैं नहीं करूँगा, मेरा ऊपर से है रास्ता। चाचा गिर रहे थे अभी, थोड़ा स्लिपरी जगह है ना, देख के जाना पड़ेगा। ये सामने से देख लो, यहाँ से पता चल जाएगा, ये है मेन सिचुएशन, और पानी यहाँ से जम रहा है, बिल्कुल सही हालत है। चलो उधर चलते, यहाँ पे पहले एक नाली होता था, जब लोग हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे यहाँ से क्रॉस करते थे, नाली में बहुत सारे लोग घुसे हैं, हम लोगों में से भी कोई कोई दोस्त घुसा इधर अंदर, लेकिन अभी इसको बेहतर बना दिया गया, अभी नाली है नहीं, ऊपर से भी मस्त दिखेगा। देखो एकदम मस्त गंदा सा पानी, और उसमें आना जाना चलता रहता है, मेरा इसमें आना जाना है, इसीलिए मेरा थोड़ा दिक्कत नहीं है। मैं तो नॉर्मली भी इसमें चढ़ जाता हूँ ना, मुझे पता है कि कहाँ से स्लिप होगा कहाँ से स्लिप नहीं होगा। लोग जो यहाँ से नहीं जाते नॉर्मली, अगर पानी ना जमे उन लोगों को थोड़ा दिक्कत है, मुझे पता है सब कुछ, मुझे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं ऊपर से घूमता रहता हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये एक हुआ क्रॉस, दूसरा है अभी बाकी, ये ब्रिज बहुत सारा पुराना है। इधर का भी हालत सेम एज़ बिफोर, एकदम सेम, सुबह जैसा था वैसा ही है, और इधर अभी तक सक्शन लगा नहीं, पहले उस साइड का खिला क्लियर होगा, उस पार का मतलब नॉर्थ बाज़ार का, फिर इस साइड का बाद में होगा। गाय यहाँ पे मस्त खाना खा रहे हैं, वापस आ गया मैं घूम फिर के, भीगा नहीं हूँ, बारिश अभी उतना तेज़ भी नहीं हो रहा है, लेकिन रुका भी नहीं, तो मैं छतरी लेके गया था, इसी कारण से भीगा नहीं हूँ, लेकिन आ चुका हूँ। पैर में पानी बहुत लगा है क्योंकि चारों तरफ पानी जमा हुआ है ना, इसलिए खैर हाथ पे थोड़ा धो लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, और देखते हैं फिलहाल क्या किया जाए, है ना। टाइम हो रहा है 4 बजे के आसपास, मेरा काम हुआ और बैंक में बंद होने का टाइम हुआ।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, टाइम हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, 8:10 बाकी है, मुझे अभी बाहर निकलना है। और मेन बात यह है कि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कल रात से आज सुबह को हो रहा था, अभी शायद थोड़ा सा रुका है, तो वेदर एकदम अलग टाइप का हो चुका है। बरसात का जैसा वेदर लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि कुछ दिन में शीत आने वाला है, मतलब सर्दी का सीज़न आने वाला है। हवा, ठंडा हवा लग रहा है। दोपहर से मैंने फ़ैन नहीं चलाया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, फ़ैन चला रहे तो 2-3 पे फ़ैन चला रहे उसमें ठंड लग रहा है, और फिर चादर लेना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, तो इतना बढ़िया वेदर हो चुका है अभी। तो मुझे अभी निकलना है, थोड़ा बाज़ार घूम के आना है, और ज़्यादा लेट करेंगे तो बाज़ार में कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तो फिलहाल आई एम साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग।